Assalamualaikum. Welcome to Codenics. 90 Days English Speaking Course के Day 14 में आज हम Categories of Sentences को देखेंगे. वो Sentences जो हम Speaking के लिए या Writing के लिए जो भी हम बनाते हैं, वो Sentences किस तरीके से होते हैं और हम किस तरीके से हम उसको Easily बना सकते हैं. तो हम देखते हैं Sentences को. सबसे पहले हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन सी हैं. कैटेगरीज ऑफ सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो हमारे पास तीन जमाने होते हैं, तीन तरह का टाइम होता है. एक हमारा मौजूदा टाइम जिसको हम प्रेजेंट टाइम बोलते हैं, एक वो वक्त जो गुजर चुका होता है, गुजरा हुआ लम्हा या गुजरा हुआ वक्त जिसको हम पास्ट टाइम बोलते हैं, और एक कमिंग टाइम या आने वाला वक्त जिसको हम फ्यूचर टाइम बोलते हैं. अब फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास टेंसेस बनते हैं वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस बनता है, जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. अब उन टेंसेस में जो हम सेंटेंसेस को दो दो चार चार हिस्सों में जो हम तकसीम करते हैं, जो भी अब हम देखेंगे, उसको हम किस तरीके से या किस बेस पे डिवाइड करते हैं, किस बेस पे हम उनको हम अलग-अलग नाम देते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखते हैं जी प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं. हम पहले सिंपल सेंटेंसेस की बात कर चुके हैं कि सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो उस काम को या उस वर्ब का जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग एक्शन को परफॉर्म नहीं करता. वो सेंटेंसेस हमारे सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं. उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हो भी सकता है, सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, लेकिन उन सब सेंटेंसेस में वर्ब जो होगा वो मौजूद होगा. अब इसमें कैटेगरी वन और कैटेगरी टू है. अभी के लिए आप इनको इसी तरीके से देखें, इससे नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इन कैटेगरीज को भी डिफाइन करेंगे. उसके अलावा जो सेंटेंसेस सब्जेक्ट और वर्ब रखते हो और सब्जेक्ट जो है उस वर्ब को करता हुआ नजर आए उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर में, उन सेंटेंसेस को हम टेंस का सेंटेंस बोलते हैं. वो सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट हो या ना हो लेकिन वर्ब मौजूद हो और वो सब्जेक्ट जो है उस वर्ब को करता हुआ, उस एक्शन को परफॉर्म करता ना नजर आए उस सेंटेंस में, तो वो सिंपल सेंटेंस. और जब वर्ब मौजूद हो और सब्जेक्ट भी मौजूद और सब्जेक्ट उस वर्ब के अकॉर्डिंग एक्शन को परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, उसको हम टेंस का सेंटेंस बोलेंगे. अब टेंस के सेंटेंसेस जो हैं वो चार तरह के हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरीके से पास्ट में भी सिंपल सेंटेंसेस और टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, और सेम इसी तरीके से फ्यूचर के भी सिंपल सेंटेंसेस और टेंस के सेंटेंसेस मौजूद होते हैं. अब इनमें आप देख रहे होंगे कि सिंपल सेंटेंसेस में कैटेगरी वन और कैटेगरी टू में कैटेगराइज किया हुआ है, जबकि हम टेंसेस को अच्छे तरीके से, जो इससे पहले वाले हमारे लेक्चर्स हैं उनमें हम टेंसेस को अच्छे तरीके से हम एलैबोरेट कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं, समझ चुके हैं. जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्टली, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप पहले इसी वीडियो को यहां पे पॉज करके पहले हमारी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस वाली जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे तरीके से देखें, ताकि आपको ये वाला जो लेक्चर है इसको समझने में आसानी रहे. सिंपल सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे, यहां पे सब्जेक्ट हो या ना हो लेकिन वर्ब उसमें मौजूद हो वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. सबसे पहले हम प्रेजेंट के सेंटेंसेस में जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उसकी जो कैटेगरी वन और कैटेगरी टू जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं. कैटेगरी वन जो है इसकी जो उर्दू में अगर हम पहचान देखें तो फिकरात के आखिर में जो जुमले होते हैं उन जुमलों के आखिर में है, हैं, हो, हूं मौजूद होता है, और इनमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है या जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम और आर यूज होता है. और इनका अगर हमने नेगेटिव बनाना है, ये तो है जी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, अगर हमने इनका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उनके लिए नेगेटिव सेंटेंसेस की जो उर्दू में पहचान है, जुमलों के आखिर में जो उसकी सेंटेंस की पहचान है वो है कि एंड पे हमारे पास नहीं है, नहीं है, नहीं हूं, नहीं हूं के जो अल्फाज हैं वो फिकरात के आखिर में आते हैं, और इनके लिए हेल्पिंग वर्ब is, am, are के साथ not का यूज होता है. is not, am not, are not. अब आपको कैटेगरी बताई जा रही है, सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं. आप लोगों की असाइनमेंट इस लेक्चर में ये है कि आपने इनकी एग्जांपल्स जो हैं उनको खुद से क्रिएट करना है, खुद से बनाना है उनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और इन हेल्पिंग वर्ब्स के अकॉर्डिंग. उसके बाद कैटेगरी टू जो है, कैटेगरी टू में वो तमाम सेंटेंसेस आते हैं जिनमें कुछ इस तरीके से बताया गया हो कि किसी के पास कोई चीज हो, जैसा कि फिक्रे के आखिर में आएगा आस का वर्ड. आस क्या है?
आस पास को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, आस पास का जो वर्ड है उसका सेकेंड हाफ है। अब आस आ रहा है, इसका मतलब किसी के पास कोई चीज हो। जैसे मैं ये कह देता हूं कि मेरे पास ये ईयरबड्स मौजूद हैं, ये मेरे पास है, मेरे हाथ में है, मेरे पास किसी चीज का होना। अगर किसी भी चीज के अंदर कोई दूसरी चीज मौजूद है वो उसकी जो है पहचान में उर्दू के फिकरात के आखिर में आ जाएगी, मतलब किसी चीज में है, ये यहां पे में आ रहा है। अगर उसके अलावा किसी के भाई बहन का हमने जिक्र करना, मतलब फॉर एग्जांपल अहमद के दो भाई हैं, हिरा की तीन बहनें हैं, हिरा के दो भाई और एक बहन है, तो ये जो जुमले हैं इन जुमलों के आखिर में हम बता रहे हैं कि कितने बहन भाई हैं, वो काउंटिंग में चीज आ रही है। तो ये काउंटिंग में जो चीज आती है इसको हम कैटेगरी टू में जो है प्लेस करते हैं, और कैटेगरी टू में इनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो है हैज हैव, हैज हैव। अब ये हैज हैव किस तरीके से और इज एम आर किस तरीके से यूज होता है, हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन नाउन और प्रोनाउन के साथ कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं। तो ये आप अच्छे तरीके से पहले वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं अगर आप हमारी डे वन की वीडियो से हमें फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे कोडेनिक्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज हैं उनकी अपडेट जो है आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे और आप एक सीक्वेंस के साथ अपनी जो स्टडी है उसको जारी रख सकें। अगर हमने इनके कैटेगरी टू के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं उनका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उनके जो फिकरात के आखिर में जो पहचान है वो है आस नहीं है, नहीं, उनके फिकरात के आखिर में आएगा आस नहीं है, मतलब पास नहीं है, में नहीं है, कोई चीज किसी चीज में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं कि मेरे पास ईयरबड्स नहीं है तो ये यहां पे जो नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। अगर मैं बोलूं अलमारी में शर्ट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है जी सिंपल सेंटेंसेस हमारे पास पास्ट के टेंस के अकॉर्डिंग। यहां पे कैटेगरी वन में जो सेंटेंसेस आते हैं उनकी उर्दू फिकरात के आखिर में, उर्दू जुमलों के आखिर में था थे थी मौजूद होता है और इनके अकॉर्डिंग था थे थी जो हमें बताता है कि पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है वो वाजवर यूज होता है और वाजवर किस तरीके से हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं आप इजीली समझ चुके हैं जो डे वन से फॉलो कर रहे हैं। अगर हमने इनका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए वाज के साथ नॉट एंड वर के साथ नॉट यूज होता है, वाज नॉट एंड वर नॉट। कैटेगरी टू में आस थी, मे था या भाई बहन थे, उसके पास घर की चाबी थी, अलमारी में मेरी शर्ट मौजूद थी, हमजा के दो बहन भाई थे। आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे ऐसे। यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है हैड और अगर आपने इनके नेगेटिव बनाने हैं तो हैड की जगह पे यहां पे यूज होगा डिड नॉट हैव या Had no। ये केसेस हैं कहां पे did not have और had no यूज होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अभी आप इनकी पहचान को जहन में रखें। फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए जो हमारे पास कैटेगरी वन है इसमें जो उर्दू फिक्रे हैं उनके आखिर में होगा, होगी, होंगे वगैरह आता है और इन फिकरात की वजह से हमें पता चल जाता है कि ये फ्यूचर टेंसेस के बारे में डिस्कस किया जा रहा है और फ्यूचर टेंसेस में इनको डिस्कस करने के साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि इनमें जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो विल बी यूज होंगे, विल बी। और अगर हमने इनकी नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखना है तो नेगेटिव के लिए उर्दू जुमलों के आखिर में नहीं होगा, नहीं होगी या नहीं होंगे यूज होता है और इनके अकॉर्डिंग यहां पे जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है वो होता है विल नॉट बी, विल नॉट बी। अगर यहां मैं फ्यूचर में देखूं कैटेगरी टू को तो यहां पे हमारे पास उसी तरीके से जैसे प्रेजेंट और पास्ट में हमारे पास पहचान आ रही थी उसी तरीके से पास होगा, में होगी, भाई बहन होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा वो होगा विल हैव, विल हैव, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। और यहां पे अगर हम इनके नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो वहां यूज होगा आस नहीं होगा, मतलब कि कोई चीज उसके पास नहीं होगी, में नहीं होगी, में नहीं होगी मतलब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के अंदर मौजूद नहीं होगी। ये होगी हमारी फ्यूचर टेंस सिंपल सेंटेंसेस की कैटेगरी टू की सेंटेंस स्ट्रक्चर में ऑक्सिलरी वर्ब और उनके उर्दू जुमलों के आखिर में जो वर्ड्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग पहचान। टेंसेस की अगर हम बात करें तो टेंसेस को हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुके हैं, हम उसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक क्विक रिव्यू देते हैं। उसके लिए
प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में जो हमारे टेंसेज होते हैं वो चार चार तरह के होते हैं। इनमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी मौजूद होता है, और सब्जेक्ट जो है उस वर्ब को या उस एक्शन को परफॉर्म करते हुए शो होता है। इनडेफिनेट टेंस में जो हमारे पास पहचान होती है, जो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पहचान के अकॉर्डिंग जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है वो डू डज यूज होता है। कैसे यूज होता है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए प्रेजेंट टेंस की वीडियो में जाके देख सकते हैं। कंटीन्यूअस टेंस में हमारे पास, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमारे पास इज, एम, आर यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हैज, हैव यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन और विद, सिंस और फॉर यूज किया जाता है। उसके अलावा टेंसेज में हमारे पास जो पास्ट टेंस है उसमें इंडेफिनेट में डिड यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर यूज होता है, और परफेक्ट में हैड यूज होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन के साथ सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस और फॉर का जो है यहाँ पे बार बार यूज आ रहा है, सिंस और फॉर जो परफेक्ट कंटीन्यूअस में यूज होते हैं उनका यूज जो है हम अच्छे तरीके से अपने जो प्रेजेंट टेंस के लेक्चर में हम इसको एलैबोरेट कर चुके हैं। आप अगर इन चीजों को रिवाइज करना चाहते हैं तो काइंडली यहां पे इस वीडियो को पॉज करें और पॉज करके जाके प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो को देखें तो सिंस और फॉर का यूज जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फ्यूचर टेंस में जो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उनमें विल यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब, फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल भी यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव यूज होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव बीन के साथ सिंस और फॉर का यूज होता है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा है कि किस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस और हमारे जो टेंस के सेंटेंसेस हैं उनको किस तरीके से हम बना सकते हैं, उनकी उर्दू में पहचान क्या है, और उनके लिए कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं, और हम इन सेंटेंसेस को किस तरीके से पहचान के बना सकते हैं।